बीते दो दिनों से भालू का है अपने बच्चों के साथ खेत में डेरा। आज वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर कर भालू को किया रेस्क्यू, लेकिन भालू के दो नन्हे बच्चों को बचाने में वन अधिकारी हुए नाकाम। वन अधिकारियों के सुस्त कार्रवाई के चलते भालू के नन्हे बच्चों को जंगली जानवरों ने बुरी तरह नोचा, बनाया अपना निवाला। नमस्कार दोस्तों, चंद्रपुर जिले के चिमूर में आने वाले वीर गांव की ये वारदात है, जहां एक खेत में मादा भालू पिछले दो दिनों से यानी कि 20 जनवरी से अपने नन्हे दो बच्चों के साथ चहलकदमी करती देखी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर भालू के रेस्क्यू के लिए टीम गठित की। भालू पर लगातार नजरें गड़ाई रखी थी, शायद भालू जंगल की दिशा की ओर निकल जाए, किंतु ऐसा होते नहीं दिखा। फिर क्या था, वन विभाग ने भालू को ट्रैंक्विलाइजर करने का फैसला लिया और आज शनिवार को भालू को ट्रैंक्विलाइजर कर उसे रेस्क्यू किया गया। मादा भालू को वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर वीर गांव से रेस्क्यू किया, जो एक सराहनीय कदम है, जिस पर वन विभाग के कर्मियों को बधाई तो बनती है। वन विभाग की इसी कामयाबी पर हम उन्हें बधाई तो ज़रूर देना चाहेंगे, किंतु इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच वन विभाग भालू के उन दो नन्हे बच्चों को भूल कैसे गई, जिन्हें भी भालू के साथ रेस्क्यू करना था। उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पहले ही रणनीति क्यों नहीं बनाई? वन विभाग चाहता तो उन मासूम नन्हे बच्चों को ट्रैंक्विलाइज किए हुए भालू के साथ रेस्क्यू किया जा सकता था, किंतु बस एक भालू के पीछे वन विभाग भालू के बच्चों को भूल गई, जो वन विभाग की नाकामी को साफ तरह से दर्शाता है। वन विभाग के इसी नाकामी के चलते कल तक जो अपने माँ के साथ सुरक्षित महसूस करने वाले भालू के दो नन्हे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें जंगल के अन्य मांसाहारी जानवरों ने अपना निवाला बना लिया। वन विभाग के अधिकारियों के इसी नाकामी पर क्या वन मंत्रालय और वन विभाग कोई कार्रवाई करेगा, या फिर भालू के दो बच्चों की मौत को भूल वन विभाग अपने कर्मियों को यूं ही छोड़ देगा? क्या इस विषय को लेकर कोई सामाजिक संगठन आवाज़ नहीं उठाएगी? टीम VL24 न्यूज़।